सो मैं आपको बता रही थी कि वी विल स्टार्ट विद सिंकिंग फंड मेथड, और इसी का दूसरा नाम क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड मेथड। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको 3 साल में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में हर साल 20,000 रुपये मिलेंगे, और आपको ये कहा गया कि ये 20,000 रुपये आपने एक बॉक्स में डाल के रखने हैं, उसको खर्च नहीं करना है, सिर्फ उसको एक रिजर्व मेंटेन करके रखना है। तो अब आपने 20,000 रुपये यहाँ रख दिए, उसके बाद अगले साल आपको फिर से 20,000 रुपये मिल गए, फिर तीसरे साल में आपको फिर से 20,000 रुपये मिल गए, तो आपके पास 3 साल के एंड में कितने, 60,000। अब आप अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे कि मेरे पास पहले साल के 20,000 पड़े हैं और मुझे ये कहा गया है कि मुझे इनको छेड़ना ही नहीं है, मुझे इसको 3 साल के बाद किसी काम के लिए यूज करना है, लेकिन मुझे मिलने ये पहले साल ही शुरू हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं इस 20,000 को किसी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में डाल दूं, ताकि मुझे वहां से कुछ इनकम मेरी किस फॉर्म में होगी, इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो अगर मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, मैं उस इंटरेस्ट को भी इस डिब्बे में डाल दूंगा और इस साल के डाल दूंगा, फिर उसके बाद मुझे 20,000 और इस इंटरेस्ट की रकम के ऊपर प्लस जो मेरी पहले वाली रकम थी उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिल जाएगा दूसरे साल, मैं उसको फिर से इस डिब्बे में डाल दूंगा, तो मेरे पास ये 60,000 से ज्यादा होगा या नहीं होगा, यस और नो? यस मैम, यस मैम। जब जो मनी है वो आइडल पड़ी है और मैं उन फंड्स को यूटिलाइज करके कुछ मेकआउट कर सकती हूँ, तो मैं उसके बारे में जरूर सोचूंगी जब मुझे पता है कि मुझे 3 साल वो चीज यूज ही नहीं करनी है। तो इसी तरीके से हमें क्या पता होता है कि जो डिबेंचर्स हैं वो मुझे पता है, मान लीजिए कि मुझे 4 साल में रिडीम करने हैं, 4 ईयर्स में जाके रिडीम करने हैं, और मुझे 4,00,000 रुपए 4 साल बाद चाहिए, आफ्टर 4 ईयर्स, और इसके लिए मैं मेरे को 1,00,000 रुपए हर साल एक रिजर्व में डाल के रखने हैं, ताकि वो रिजर्व मेरा किसी और पर्पस के लिए यूज ना हो, इसलिए मैं उस रिजर्व से उसको फंड में डाल दूं। रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या होता है, जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, और फंड क्या होता है, जो स्पेसिफिकली उसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो जब मुझे ये पता लगा और ये बताया गया कि उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा अगर मैं उसको कहीं पर डाल दूं 10% के रेट से, तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, वो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। तो उस प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखते हैं ईयर 1, 2, 3 and 4, उसके बाद यहां पर मैंने लिखा इंस्टॉलमेंट कि मैंने कितनी इंस्टॉलमेंट, पहले साल मैंने एक इंस्टॉलमेंट की जगह भी मैं यहां पर पहले लिखती हूं सपोज इंटरेस्ट। ठीक है, अब पहले साल जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, मैंने पहले साल इंस्टॉलमेंट डाली 1,00,000 की, और 1,00,000 की इंस्टॉलमेंट डाली, और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने इस डिब्बे में 1,00,000 रुपए डाल दिए हैं, वो मेरे वेस्ट पड़े हैं, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इट, तो मैंने इसको उठाकर इन्वेस्ट कर दिया 1,00,000 रुपए को। अब अगले साल मुझे इस 1,00,000 के ऊपर 10% के रेट से इंटरेस्ट मिल गया 10,000 रुपए, मैंने उठा के ये भी इस डिब्बे में डाल दिया, ये बॉक्स है मेरा जिसको मैं इंस्टॉलमेंट बोल रही हूँ कि मैंने इस बॉक्स में डाल दिए, और इस बॉक्स में मैंने इस साल के 1,00,000 रुपए भी डाल दिए, तो इसका मतलब मैंने इस साल दोनों को उठा के इन्वेस्ट कर दिया 1,10,000, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अब तक की कितनी हो गई, 2,10,000 हो गई, और इस 2,10,000 के ऊपर मेरे को तीसरे साल में फिर से इंटरेस्ट मिला 21,000।
अब 21,000 का जो मेरे को इंटरेस्ट मिला वो मैंने 21,000 फिर से इस बॉक्स में डाल दिया, और इस साल की किस्त भी डाल दी 1 लाख रुपए की। अब मेरे पास इस साल 1,21,000 इस बॉक्स में थे, वो उठा के मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। अब मार्केट में 1-1 इन्वेस्ट करने के बाद मेरी जो मार्केट में पोजीशन है वो हो गई 3,31,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई। चौथे साल मुझे 33,100 का इंटरेस्ट आया, मैंने वो इंटरेस्ट भी एक डिब्बे में डाल दिया और इस साल की किस्त भी डाल दी। लेकिन क्योंकि ये कौन सा ईयर है, फोर्थ ईयर, जिस साल मुझे डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो उस साल हम इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं, उस साल इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो अब इन्वेस्टमेंट मुझे करनी नहीं है, मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या करनी है, सेल करनी है। ये जो मैंने आपको टेबल बना के बताई, इस टेबल का लॉजिक मैं आपको आप समझाती हूँ अभी कि इससे कैसे क्या करना है हमें। पहले बताओ ये समझ में आई टेबल? यस मैम। यस मैम। अब इस टेबल में ईयर वाइज अगर मैं यहां से उठाना शुरू करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये मेरी 15 जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी अगर मैं इसको इस तरीके से उठाऊं। तो ये मेरे 3 अकाउंट बन जाएंगे, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, इंस्टॉलमेंट वाला और इंटरेस्ट का, तीनों के अकाउंट बन जाएंगे, तो मेरा काम इतना आसान हो जाएगा। तो अभी आपने मुझे कहा कि हमने सिंकिंग फंड किया हुआ नहीं किया हुआ, कुछ आता कुछ नहीं आता, तो मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं कराया सिवाय एक टेबल के, लेकिन सिंकिंग फंड की जनरल एंट्रीज मैं आपसे निकलवाऊंगी। पहले साल आपको यहां पर कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं करना। दूसरे साल आपने 1 लाख रुपए सरप्लस से निकालकर सिंकिंग फंड में या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालने हैं, तो आप क्या एंट्री करेंगे? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। यस, तो इसका मतलब आप एंट्री करेंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड या टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। वेरी गुड। अब आपने उस पैसे से एक इन्वेस्टमेंट खरीद ली, आप अगर इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या होती है? मैम इन्वेस्टमेंट टू बैंक। वेरी गुड। तो हम एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, नाम रख देते हैं उसका, अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए से। तो पहले साल की 2 एंट्रीज आपने कर ली, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें? अब नो दूसरे मैम। साल में आपको इंटरेस्ट, जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव करने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। इसका मतलब ये मेरी पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इस 10,000 रुपए से हुई या नहीं हुई? यस मैम। अब ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, इसको उठा के आपने किस में डाला है? सिंकिंग फंड में डाला है। 10,000 को भी उठा के सिंकिंग, इस जो ये इंस्टॉलमेंट का डिब्बा है, इसी का नाम हमने क्या रखा है? सिंकिंग फंड। तो इस इंटरेस्ट को यहां से निकाल के आपने सिंकिंग फंड में डाल दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग। यस और नो? यस मैम। यस मैम। उसके बाद ये 1 लाख रुपए डालने हैं आपने, और इस 1 लाख रुपए की एंट्री अभी आपने ही मुझे बताई थी कि सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, ये हो जाएगी। अब फिर से आपने 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप एंट्री कर दोगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक 1,10,000। इसके बाद तीसरे साल आपको फिर से 21,000 मिलेंगे, आप 21,000 की एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। फिर आप ये वाला इंटरेस्ट सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दोगे, तो एंट्री कर दोगे इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड।
उसके बाद 1 लाख रुपए आप इंस्टॉलमेंट के डालोगे, तो इंस्टॉलमेंट के क्या सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। फिर 1/21 को आप इन्वेस्ट कर दोगे, एंट्री हो जाएगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। चौथे साल में फिर से इंटरेस्ट आएगा, सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी बैंक टू इंटरेस्ट। फिर ये इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड, और फिर इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हुई सरप्लस टू सिंकिंग फंड। इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट को बेच देना है, तो इन्वेस्टमेंट को बेचना है तो ये जो एंट्री है इसकी रिवर्स हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग इन्वेस्टमेंट। बेचने के बाद आपको डिबेंचर्स रिडीम करने की एंट्री करनी है, और वो आपको करनी आती है डिबेंचर्स जब रिडीम करेंगे तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक। अब बताइए ये टेबल समझ में आई और एंट्रीज समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम, यस मैम, यस मैम, क्वाइट सिंपल इट इज। तो जब आप एंट्रीज करने लगेंगे, सो आई रिपीट, हम सबसे पहले ईयर वन हम एंट्री करेंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 1 लाख रुपीस। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट खरीद ली सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। देन नेक्स्ट एंट्री आपकी ईयर टू में, सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि पहले कौन सी एंट्री है बाद में कौन सी। आपको टेबल नजर आ रही है, टेबल में जो जो आपने काम किया है वो आप करते जाएं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मेरे को 10,000 का इंटरेस्ट मिला, मैंने 10,000 लिख दिया। अब ये वाला इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट मैंने ट्रांसफर कर दिया सिंकिंग फंड में, तो मेरे पास 10,000 सिंकिंग फंड में चला गया। फिर मैंने 1 लाख रुपए की किश्त ट्रांसफर करी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 1 लाख। इसके बाद फिर से मैंने इन्वेस्ट कर दिया सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और इस बार मेरी इन्वेस्टमेंट थी 1,10,000। देन कम्स ईयर थ्री। ईयर थ्री में सेम रिपीट होगा, सबसे पहले इंटरेस्ट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मेरे पास 1 लाख। कितना था हमारे पास पीछे देख लीजिए आप टेबल में कि मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी दूसरे साल में, 2,10,000 की। तो 2,10,000 में जो मेरे पास हुई उस पर मेरे पास कितना इंटरेस्ट आया, 21,000 का। अब ये इंटरेस्ट मैंने ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड 21,000। ये ट्रांसफर करने के बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आया कि मुझे इंस्टॉलमेंट डालनी है, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड कितना डाला मैंने, 1 लाख। ठीक है, अब ये डालने के बाद नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, जब ये मेरी इंस्टॉलमेंट डल गई फिर से मुझे इन्वेस्ट करना है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इस साल की मेरी इन्वेस्टमेंट थी 1,21,000। ईयर फोर पे आ गए। ईयर फोर में मुझे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, 1/21 ये था, 2/10 पहले था, तो 3/31 हो गया, तो 33,100 का मुझे इंटरेस्ट मिला। उसके बाद फिर से मैंने इस इंटरेस्ट को उठा के सिंकिंग फंड में डाल दिया 33,100। ठीक है, ये डालने के बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मुझे इस साल की किश्त डालनी है, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड 1 लाख, मैंने इस साल की इंस्टॉलमेंट डाल दी। अब चौथा साल है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इन्वेस्टमेंट को बेचना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो आप वापस जाइए और देखिए कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, तो
तो इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो हमारे पास अभी तक थी 3,31,000। अगर वो कहता है कि हमने पार पे बेची तो हम 3,31 वाली 3,31 में बेच देंगे, अगर वो कहता है कि हमने 3.5 में बेची या हमने 4 में बेची या जितने में भी बेची, तो वो हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा और वो प्रॉफिट या लॉस भी हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि पार पे हमने सेल की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 3,31,000 हमने ये सेल कर दी। अब इसके बाद आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, मान लीजिए 4,00,000 के थे हमारे डिबेंचर्स, 4,00,000, एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक and that comes to 4,00,000। ये करने के बाद जो आपका sinking fund का balance था, that will be transferred to general reserve and your question will be completed। समझ में आया? Yes ma'am। Yes ma'am। इसके अंदर जब आप उसमें जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जब आप बात कर रहे हैं तो आप एंट्रीज कर रहे हैं, और इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप अकाउंट्स बनाएंगे। मान लीजिए आप इंटरेस्ट का अकाउंट बना रहे हैं, तो पहले साल इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं होगी, दूसरे साल आपने इंटरेस्ट की एंट्री की है और आपने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब मैं आपको ऐसे ही बना के दिखाती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का आपने मान लीजिए अकाउंट बनाया, तो आपने एंट्री की हुई है बैंक टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा बाय बैंक कितना 10,000, और फिर इसको आपने ट्रांसफर कर दिया टू सिंकिंग फंड में 10,000, ये क्लोज हो गए। ऐसे ही तीनों साल की एंट्रीज हो जाएंगी, 21,000 आएगा, फिर 21,000 सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर 33,100 आएगा, वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड एवरी ईयर इट विल बी क्लोज्ड। तो ये मेथड इतना सिंपल है कि जब आप इसको हॉरिजॉन्टली करते हैं तो जनरल एंट्रीज बन जाती हैं, जब आप वर्टिकली करते हैं तो आपके अकाउंट्स बन जाते हैं। तो इससे तो आपका इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा, इससे आपका सिंकिंग फंड का अकाउंट बन जाएगा, और इससे आपका सिंकिंग फंड का इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बन जाएगा। हम इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में बना के भी दिखाएंगे, बट अभी आज के लिए आपका इतना ही कि आपको मुझे टॉपिक समझाना था सिंकिंग फंड का। समझ में आया सबको? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? नो मैम।